हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं एक अमेरिकन एक्टर और प्रोड्यूसर विल स्मिथ के बारे में। दोस्तों, अगर आप हॉलीवुड मूवीज के शौकीन हैं तो आप विल स्मिथ को तो जरूर जानते होंगे। दोस्तों, वैसे विल स्मिथ का पूरा नाम विलियम कैरल स्मिथ है और दोस्तों इनका जन्म 25 सितंबर 1968 में वेस्ट फिलाडेल्फिया में हुआ था। दोस्तों, वैसे इनकी मॉम स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर थी और इनके डैड एक रेफ्रिजरेशन इंजीनियर थे। और जब स्मिथ 12 साल के हुए तभी से उनको रैपिंग का शौक चढ़ गया और उन्होंने रैपिंग करना स्टार्ट कर दिया। फिर एक डीजे पार्टी में उनकी मुलाकात जेफ टाउन से हुई और वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए और उन्होंने डुओ करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें स्मिथ ने अपना नाम फ्रेश प्रिंस रखा और जेफ ने अपना नाम डीजे जैजी जेफ रख दिया। और दोस्तों, लोगों को उनके गाने काफ़ी पसंद आने लगे। दोस्तों, जो उनका पहला गाना हिट हुआ था वो उनका सिंगल था जो कि उन्होंने 1986 में लॉन्च किया था, जिसका नाम गर्ल्स एंट नथिंग बट ट्रबल था। और दोस्तों, वो गाना काफ़ी हिट हुआ और कुछ ही टाइम बाद उन्होंने अपनी एक खुद की एल्बम बनाई जिसका नाम उन्होंने रॉक द हाउस रखा, जो कि उन्होंने 1990 में रिलीज़ की। उसके बाद दोस्तों, वो उनकी एल्बम की वजह से 18 साल की उम्र में ही मिलियनर बन गए और यहाँ तक कि उनको इस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड भी मिला और इसी के चलते वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हो गए। कुछ ही समय बाद उन्हें कुछ मूवीज़ में छोटे मोटे रोल मिलने लग गए, जैसे कि वेयर द डे टेक्स यू, और इस मूवी में अच्छी एक्टिंग करने के कारण उन्हें और मूवीज़ में कुछ सीरियस रोल मिलने लग गए, जैसे कि सिक्स डिग्रीज ऑफ सेपरेशन। इसके बाद दोस्तों, 2005 में उनकी जब अगली मूवी आई जो कि थी बैड बॉयज, दोस्तों ये मूवी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। इस मूवी का बजट था $19 मिलियन और इस मूवी की वजह से जो टोटल बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन था वो था $141 मिलियन का, जो कि विल स्मिथ के लिए काफ़ी बड़ी सक्सेस थी। फिर उसके बाद उन्होंने और भी कई मूवीज़ की, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे और मैन इन ब्लैक की सीरीज़, और लोगों को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगे। और यहाँ तक कि जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स होते थे वो सिर्फ विल स्मिथ को ही कास्ट करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ये तो पता ही था अगर वो विल स्मिथ को कास्ट करेंगे तो उन्हें बॉक्स ऑफिस से बजट से ज़्यादा ही कलेक्शन मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा। फिर उसके बाद दोस्तों, उन्होंने और भी कई मूवीज़ की, जैसे कि हिच, आई एम लेजेंड, हैनकॉक और द 7 पाउंड्स। दोस्तों, लोगों को तो उनकी एक्टिंग पसंद आती ही थी, लेकिन विल स्मिथ अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस और एक्टिंग से प्रोड्यूसर्स का भी काफ़ी फ़ायदा करवाते थे। दोस्तों, विल स्मिथ को आज तक 2 अकेडमी अवार्ड्स, 4 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और 4 ग्रैमी अवार्ड्स मिल चुके हैं। और दोस्तों, वो हॉलीवुड में सिर्फ अकेले ऐसे एक्टर हैं जो 10 फिल्मों में $150 मिलियन इंटरनेशनली कमा चुके हैं और 8 फिल्मों में $100 मिलियन कमा चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।